दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयर होने को आया है एक माइक्रोटेक का यूपीएस जो कि ईबी मॉडल का है, 860 वीए का है ये। इसकी समस्या ये है, इसमें फ्यूज ब्लोन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको चेक करके उसके बाद दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने स्विच प्रेस कर दी, यहाँ पे यूपीएस ऑन हमारा आ गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे अभी शॉप पे कुछ काम चल रहा है इसलिए हमारा सेटअप इधर का उधर उल्टा पुल्टा हो गया है। अभी शॉप हमारा नया बन रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सेटअप था पहले का, हमने ऊपर अपनी दीवार में फिक्स की हुई थी लेकिन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हमने इसको केवल वैसे सेट कर दिया है चेक करने के लिए टेम्परेली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा उल्टा का पुल्टा पड़ा हुआ है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं अभी इसको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर ली, ये देखें इस तरीके का आ रहा है हमारा ये फॉल्ट, ये फ्यूज ब्लोन का। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले अपनी फ्यूज को चेक कर लें, यह आपका फ्यूज पीछे लगा होता है, इसको आप चेक कर लें कहीं जली ना हो। तो मैंने इसको पहले से ही चेक किया हुआ है, ये फ्यूज पूरी तरीके से ओके है, ये इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आगे से है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि फ्यूज ओके होती है, यहाँ तक सप्लाई आपको मिल रही है। तो आप अपने ट्रैक को चेक कर लें, हो सकता है आपकी कोई प्रिंट जल गई हो तो उसको आप सबसे पहले चेक कर लें। अगर वो भी आपकी ठीक होती है तो यहाँ पे आपका लगाया गया है एक आईसी, दो लगी होंगी, एक चेंज ओवर के लिए है, एक फ्यूज ब्लोन के लिए है। यहाँ पे 4N35, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आईसी लगाई गई है, 4N35 जो कि एक चेंज ओवर की है और एक हमारी फ्यूज ब्लोन की है। तो यही ख़राब हो जाती है तो हमारे फ्यूज ब्लोन आने लगते हैं। ये माइक्रोटेक के सभी मॉडल में नहीं लगाई गई है, ये इसमें जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर नहीं होता, यहाँ पे सेंसिंग ट्रांसफार्मर जो लगाया जाता है, तो ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर वाले में ये IC4N35 नहीं होती। मेरे पास एक दूसरी PCB है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमें जो PCB है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंसिंग ट्रांसफार्मर वाला है, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर लगता है। हमने इसके कंपोनेंट काफ़ी निकाल लिए हैं, इधर उधर कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4N35 लगा हुआ कैपेसिटर के बगल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोई 4N35 IC यूज नहीं की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सभी मॉडलों में नहीं होता, जिसमें हमारा सेंसिंग ट्रांसफार्मर नहीं यूज किया जाता उसमें लगाया जाता है, एक चेंज ओवर के लिए, एक फ्यूज ब्लोन के लिए। तो आप इसको चेंज करके देख लें, मैं अभी आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये वाला हमारा ये फ्यूज ब्लोन का है, ये वाला हमारा चेंज ओवर का है। तो हम इसको चेंज करके उसके बाद अभी हम आपको चेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने 4N35 IC को चेंज कर दिया है, अब हम चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट ठीक हुआ या नहीं। तो यहाँ से मैंने अपनी बैटरी प्लस यानी यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, और अब हम बैटरी माइनस को यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा हमने इसको कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा LED ग्लो हो गया है। अब हम 220 की सप्लाई अपनी इन करके उसके बाद अभी चेक करेंगे। तो ये रही 220 की सप्लाई, इसको करते हैं बोर्ड में इन। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको इन किया, ये हमारा मेन्स ऑन हो गया है और चार्जिंग भी हमारी आ गई है। यहाँ पे एम्पियर मीटर में अभी आपको दिखाना चाहूँ तो 20 एम्पियर के करीब लगभग में हमारा चार्ज भी कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी ठीक कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।